मुख्तार जो कि होम मेकर हैं और सवाल करती हैं, जो लोग कहते हैं कपड़ा मैटर नहीं रखता, तो जो रेप होते हैं अगर जैसे एक बच्ची के साथ जिसने डायपर पहना होता है उसके साथ अगर रेप हुआ तो ऐसा संगीन जुर्म क्यों? सवाल किया गया है, बहुत अच्छा सवाल किया गया, दिमाग से किया गया है कि मतलब लिबास मैटर नहीं करता या करता है तो फिर छोटे से बच्चे का कैसे रेप हो जाता है जो डायपर पहने हुए हो? कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं कहने का यही मतलब कि हिजाब पहनेंगे तो ये रेप वगैरह से बच जाएंगे, तो उस अपनी ब्यूटी को कवर करके निकलेंगे। और तो उस छोटे से बच्चे का क्या गलती है कि वो क्यों कर हिजाब पहने और उसमें क्या अट्रैक्शन पाई जो रेप करने वाले ने की? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जो ऑपोजिट जेंडर है ना, मुखालिफ जिन्स, वो किसी की भी स्किन से अट्रैक्ट होता है और वो भड़कता है। अगर कोई पॉर्नोग्राफी देखेगा रात में और उसको कोई ना मिला तो वो एक बच्चे को भी शिकार बनाएगा और समटाइम्स वो किसी बाहिजाब को भी शिकार बना सकता है। कहने का मतलब अगर ये सोचा जा रहा है कि कवर होंगे तो प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो अनकवर रहेंगे तो नहीं प्रोटेक्टेड रहेंगे और रेप वगैरह से बचेंगे, अगर ऐसे सोचा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि एक इंसान भड़का है दूसरे को देखकर, बेहिजाब बेपर्दा खातून लड़की थी, उसके जो जब ऑपोजिट जेंडर ऑपोजिट को देखता है तो बहुत सारे केमिकल्स वो प्रोड्यूस होने लगते हैं जो उसको प्रोवोक कर देते हैं अपनी नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो फिर जिससे देख के वो भड़का था वो तो उसको मिलती नहीं, वो तो चली जाती है, फिर जो मिलती है तो उसको शिकार बनाता है। लिहाजा बिल्कुल हिजाब मैटर करता है। अगर पूरी सोसाइटी में हिजाब फॉलो किया जाने लगे तो, और साथ में इस्लामिक शरीयत हो कि मर्द भी अपनी निगाहों को बचा कर रखें, तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। ऑर्डर्स दोनों को दिए गए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कुल लिल मोमिनीन, मोमिनों से कह दो, यकुद्दू मिन अफ्वारिहिम वयहफ़्ज़ू फुरूजहुम, कि अपनी निगाहों को बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। सेम बात फिर मोमिनात के लिए कही गई सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में, कुल लिल मोमिनात, और मोमिन औरतों से कह दो, यकुद्दू मिन अफ्वारिहिन वयहफ़्ज़ू फुरूजहुन, कि वो अपनी निगाहों को बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और प्रोटेक्शन बिल्कुल होता है हिजाब से। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या ये नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युज़ैन, ए नबी अपनी बीवियों बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दीजिए कि वो अपना जिलबाब ले लें, अपनी ओढ़नी ले लें, इससे वो शरीफजादी पहचानी पड़ेंगी, वो ऐसी पहचानी पड़ेंगी जिनके साथ कोई छेड़छाड़ की हिम्मत ना कर सके और वो पहचानी पड़े और ना सताई जाएं। तो ये बिल्कुल हिजाब हमारा प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर ये इक्वली फॉलो नहीं होगा तो उसका नुकसान किसी के ऊपर भी जा सकता है, वो फिर बच्ची भी हो सकती है। तो वजह ये है, जो अगर कोई पॉर्नोग्राफी देखता है तो उसके दिल से औरत की अजमत निकल जाती है, फिर वो किसी को भी शिकार बना सकता है। वो पॉर्नोग्राफिक आर्टिस्ट तो वो तो वीडियो में थी, वो तो वीडियो ख़त्म हो गई, लेकिन वो उसका भड़का हुआ था तो वो फिर कहीं पर भी जा सकता है। लिहाजा इट मैटर्स। उम्मीद है सवाल के जवाब आपको मिल गया होगा। जज़ाकअल्लाह खैर। सवालात तो और भी हैं लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से हम अपने प्रोग्राम में और सवालात शामिल नहीं कर सकें, तो हम माज़र चाहते हैं उन बहनों से जिनके सवाल हम नहीं ले पाएँ। अगर वो अपने जवाब लेना चाहती हैं तो तक़वा इस्लामिक स्कूल की बिल्डिंग से आकर वो अपना जवाब ले सकती हैं इंशाल्लाह। और अब बढ़ते हैं इख्तिताम की जानिब।
हम शुक्रिया अदा करते हैं आप तमाम ख़वातीन का जिन्होंने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं सिस्टर रस्मा शम साहिबा का जिन्होंने वाकई हमें वो राह दिखाई कि हम उस पर चलकर ख़ुद को नेक बना सकते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम ज़िम्मेदारान का कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में एक बेहतरीन हिस्सेदारी अदा की। अल्लाह सुभानहु ताला का बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, क्योंकि अल्लाह को ये इस तरह की महफिलें बेहद पसंद हैं। सुभानअल्लाही व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुक व तूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।